तो फाइनली भाई साहब बॉलीवुड का एक ऐसा लोता एक्टर लौट के वापस आ चुका है अपनी सोलो मूवी लेकर, जिसका नाम है जॉन इब्राहिम। अब जॉन इब्राहिम को आप लोगों ने लास्ट मूवी में देखा था यानी पठान के अंदर, और जिस तरीके से उसने जिम का किरदार निभाया था, ओ माय गॉड, अब वो लेकर आ चुके हैं अपनी एक और मूवी जिसका नाम है वेदा। और मूवी की बात करें तो ये मूवी जिस तरीके से होने वाली है, इस मूवी के बारे में क्या ही बताऊँ आप लोग, सबसे पहले बताऊँगा कि इस मूवी की स्टोरी किस तरह की और ये मूवी बनाई किस तरह की, आप लोगों को पैसे खर्च करके देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इस मूवी के साथ काफ़ी सारी मूवी रिलीज हुई है। स्त्री 2 रिलीज हुई, अक्षय कुमार की न्यू मूवी रिलीज हुई है। लेकिन अगर बात करें तो ये मूवी किस तरह की, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई यहां आप लोगों को जो जिस तरीके से एक्शन देखने को मिलता है और जिस तरीके से मैं तारीफ करना चाहूंगा कैमरामैन की, जिस तरीके कैमरा का वर्क आप लोग यहां देखने को मिलता है, ओ माय गॉड क्या तो भाई एक्शन शूट किया गया है, मजा ही आ जाता है। और जिस तरीके से जॉन इब्राहिम इस बार एक्शन करते हो आप लोग आ जाते हैं ना, सत्य में जयती आप लोग याद आ जाती है, आप लोगों को कई ऐसी मूवीज याद आ जाती है, बाटला हाउस हो जो आप लोग जॉन इब्राहिम की कमाल की मूवीज है उनमें से आप लोग को ये फीलिंग देती है मूवी। लेकिन अगर बात करो जिस तरीके से स्टोरी है और जिस तरीके से इस मूवी के अंदर आप लोग कहानी दिखाई गई फर्स्ट हाफ के अंदर, सेकंड हाफ के अंदर और क्लाइमेक्स के अंदर, तो बवाल ही बन जाता है। ओवरऑल ये मूवी किस तरह की मैं आप लोग सबसे पहले एक्सप्लेन करना चाहूंगा, तो मैं इतना बोलना चाहूंगा कि भाई जिस तरीके से यहां जॉन इब्राहिम की परफॉर्मेंस है ना, आप लोग ये देखकर हैरान हो जाओगे कि भाई साहब बॉलीवुड का सच में ये एक मास महाराजा बोलो या जैसा ही बोलो, लेकिन इस बंदे को जैसा भी रोल दे दो वो कमाल का ही कर लेता है, क्योंकि भाई मजा ही आ गया यार। लेकिन अगर मैं बात करूं जिस तरीके से इस मूवी को इसने बनाया हुआ है और जिस तरीके से इस मूवी में उसने काम किया है, ये देखकर रंग लाता है कि भाई साहब उसकी मेहनत सजाई गई है, फालतू में वेस्ट नहीं हुई है। लेकिन इस बंदे को एक बड़े डायरेक्टर की जरूरत है जो एक ऊंचाइयों में लेके जाए और इस मूवी को सपोर्ट की बनती है, क्योंकि इस मूवी के अंदर कहानी बहुत ही फैंटास्टिक है। जिस तरीके से आप लोग यहाँ मारदार दिखाई गई, जिस तरीके आप लोग यहाँ भाग दौड़ दिखाई गई, और जिस तरीके से आप लोग को यहाँ जॉन इब्राहिम की जर्नी देखने को मिलती है, जिस तरीके से आप लोग यहाँ जॉन इब्राहिम की जर्नी देखने को मिलती है और जिस तरीके से इसमें आप लोग को ट्रेनिंग देखने को मिलती है, मजा ही आ जाता है यार। जिस तरीके से जॉन इब्राहिम यहाँ ट्रेन करते हैं, जिस तरीके से आप लोग को ऐसे ट्विस्ट देखने को मिलते हैं जो आप लोग इमोशनल भी कनेक्ट हो जाते हो और आप लोग भाई फिजिकली भी कनेक्ट हो जाते हो। अगर आप लोग फाइट लवर हो, अगर आप लोग भाई ट्विस्ट लवर हो, तो इस मूवी को 100% पसंद करना चाहोगे, क्योंकि ये मूवी बनाई इस तरह से गई है कि आप लोग यहाँ वर्क देखकर, काम देखकर मजा ही आ जाता है यार। चाहे डायरेक्टर का काम हो, चाहे एक्टर्स की काम, चाहे आप लोग डायरेक्टर का काम हो, चाहे एक्टर्स का काम हो, सभी का काम आप लोग आउटस्टैंडिंग देखने को मिलता है। इसमें भी इफेक्ट्स को, शॉर्ट्स कुछ ऐसे सीन्स हैं आप लोग यहाँ सुकून देते हैं यार, दिल में मजा ही आ जाता है कि भाई साहब प्राउड फील हो जाता है कि बॉलीवुड ऐसा काम कर रही है, क्योंकि यहाँ आप लोगों को कुछ आउटस्टैंडिंग लेवल के एक्शन देखने को मिल जाते हैं, जो देखते हुए आप लोग फील हो जाता है कि भाई साहब जॉन इब्राहिम अगर हॉलीवुड का एक्टर होता तो इसको क्या क्या मूवीज मिलती है, बंदे को मिलती, क्योंकि जिस तरीके उसकी बॉडी है, जिस तरीके उसका एक्शन है, जिस तरीके उसका स्वैग है, सब कुछ आप लोग यहाँ बवाल देखने को मिल जाता है। ओवरऑल ये वेदा मूवी वन ऑफ द बेस्ट मूवी है जॉन इब्राहिम की, अगर आप लोग देखना चाहो तो देख सकते हो, क्योंकि ये मूवी में काफ़ी ऐसी कमियाँ हैं, लेकिन उसको अगर आप लोग छोड़ दो तो ये मूवी बेस्ट बन जाती है।